हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नव क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे एनटीए नेट का पेपर टू कॉमर्स जो 22 दिसंबर को हुआ सेकंड शिफ्ट में, इसका एनालिसिस। सो आई होप यू ऑल आर रेडी। फ्रेंड्स, मैं अनअकैडमी वेरीफाइड एडमिट हूँ। आप अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके नवदीप को सर्च कर सकते हैं और मुझे फॉलो कर सकते हैं। और यहाँ पर रेट रिव्यू करके बताइएगा कि आपको कोर्सेज कैसे लग रहे हैं। नाउ डेज आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो वो डाउनलोड हो जाती है। ऐप को अपडेट ज़रूर कर लेना, ठीक है, और ऑफलाइन भी देख सकते हो डाउनलोड करके। सो अभी 22 दिसंबर का एनालिसिस करते हो एज़ पर माई लर्नर्स, ठीक है। पेपर टू में मैचिंग वाले क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा थे। इनकम टैक्स में भी आपके दूसरी साइड से आ गए थे क्वेश्चंस काफ़ी सारे, जैसे कि टीडीएस से रिलेटेड क्वेश्चन था, रेंट से रिलेटेड, ठीक है, और फिर कुछ लीज अकाउंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन थे। एफडीआई के बारे में क्वेश्चन था, मोस्ट एक्सपेंसिव होगा तो क्या होगा, सिचुएशंस दिए थे, उनमें से मैच करना था, ठीक है। बैकवर्ड हॉरिजॉन्टल एफडीआई इस टाइप का कुछ था, कॉन्ग्लोमरेट एफडीआई, फॉरवर्ड वर्टिकल इनवर्ड, प्राइसिंग स्ट्रेटजीज अकॉर्डिंग टू सिचुएशन दिया हुआ था। एक हाँ इम्पोर्टेंट थिंग यहाँ पे है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाला एक क्वेश्चन था आप लोगों का मैचिंग में, वो बिल्कुल ही वो गलत था, ऑप्शन मैच नहीं कर रहा था कोई। सो अगर क्वेश्चन इज रॉन्ग, क्योंकि अगर सभी बोल रहा तो इट मीन्स डेफिनेटली होगा ही रॉन्ग अगर होगा तो। अच्छा, क्वेश्चन गलत है तो सबको ही एक मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने अटेम्प्ट किया, मेक श्योर आपने उसको टिक करके कुछ आए हो। अगर आपने टिक करके नहीं आए हो फिर मार्क्स नहीं मिलते। अगर इफ़ यू अटेम्प्ट तब उसके मार्क्स मिलते हैं, अगर क्वेश्चन गलत हो जाए और फिर सबको मार्क्स मिलते हो, ठीक है। सो ये ग्रेजिंग पॉइंट्स होते, ग्रेज पॉइंट होते हैं उसके। सो करेक्टर्स नॉट वाला, नॉट विच इज़ नॉट करेक्टरिस्टिक्स, विच इज़ नॉट करेक्टरिस्टिक्स, ऐसे वाले क्वेश्चन ज़्यादा थे। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला क्वेश्चन था, ठीक है। इसके भी बहुत ज़्यादा जो चॉइसेज है वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ कर रही थी, पास पास थी। एंड प्रोबेबल एरर वाला था कन्फ्यूज़ करने के लिए, लाइक मैंने समझाया भी था आप लोगों को, ठीक है। फिर भी आप के बताया था कि इसके आगे जो होता है पूरा का पूरा फॉर्मूला उसको अच्छे से याद करो, ठीक है। सो नेक्स्ट रिव्यू फ्रॉम रजनी सैन, तो इन्होंने बताया कि पी वी रेशियो गिवन, इस टाइप के क्वेश्चन आए थे। पी वी रेशियो गिवन 25%, वेरिएबल कॉस्ट 3 लाख, देन सेल्स कितनी होगी, मैच करना था सी आर एस एल आर रेपो रेट इन सब में, एंड देन कौन सा फंक्शन नहीं है आर बी आई के, डब्ल्यू टी ओ के कौन सा फंक्शन नहीं है। करवाया हुआ था मैंने, आर बी आई भी करवा रखा है बैंकिंग में, मैंने आई बी में कराया था ये, विच इज़ नॉट फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंकिंग, बस बैंकिंग वाले कोर्स में करवाया हुआ था ये, इंटरनेट स्कीमिंग रिलेटेड विद माइंड ऑफ कंप्यूटर। अच्छा, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर क्या होता है, मतलब ब्रेन में क्या करके आए हो, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर में, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है सीपीयू, सिंपल सी बात है, ठीक है। और जो लोग मदरबोर्ड कह रहे हैं तो वो ये होता है कि मदरबोर्ड के अंदर होता है ये। सो ये एक बेस है जिसमें लगता है ये बोला गया है। ब्लूटूथ की रेंज से रिलेटेड क्वेश्चन था और कुछ इस तरह के क्वेश्चन था, लीज से रिलेटेड, देखो शेयर फॉरफिटेड से रिलेटेड सिंपल क्वेश्चन था, एग्जम्पशन टू एस्टैब्लिश बिजनेस इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन, हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन था, सैबी फंक्शन, कॉल ऑफ पुट ऑप्शन, कोरिलेशन फार्मूला, बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ये सब क्वेश्चन थे। आई बी से रिलेटेड काफ़ी आया था। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आया था ना वो सबसे ज़्यादा मार्केटिंग का मुझे बोला गया कि आए क्वेश्चन लगे आपको कि मार्केटिंग के आए हैं। टैक्स के भी काफ़ी एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स टैक्स के काफ़ी क्वेश्चन आ गए थे, ठीक है। और ये बीच में जो कुछ ऐसे क्वेश्चन पोर्शन है जो थोड़ा सा वाइड हो गए, मतलब बाहर चले गए थोड़े से, सो लीज एंड ऑल के बारे में पूछा गया था, ठीक है। और लगा कि भाई जो लेबर वेलफेयर है ये वाला साइड ज़्यादा था ह्यूमन रिसोर्स के अंदर, ओके। मैचिंग में थ्योरी थी हस्बक वास्लो, यहाँ पे भी देखे तो कंबाइंड लिवरेज के क्वेश्चंस थे, कैलकुलेट फॉरफिटेड शेयर्स, कैलकुलेट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सिंपल था आज ये तो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बताया आप लोगों ने। थ्योरी एक्स थ्योरी जेड का मैचिंग था इस टाइप का, क्रॉस इलास्टिसिटी का मैचिंग था, डब्ल्यू टी ओ करवाया हुआ था ना मैंने, एच आर एम से रिलेटेड क्वेश्चन थे। सो ओवरऑल लर्नर्स ने बताया कि जैसे मैंने एफ एम स्टैट्स और इको और अकाउंट्स का जो कोर्स लिया था उसमें ये चार कोर्स जो मैंने लिए थे पूरे वहीं में से क्वेश्चन आए थे, उसमें मैंने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करवाए थे, वहीं से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन से ही आ गए थे। जो बाकी का पोर्शन है उसकी डिमांड आ रही है, अब चलो देखते हैं। मैं लेसन्स बना रही हूँ साथ साथ, मैंने बैंकिंग देखो बना रखा है ना पूरा फ्री में, और मैंने आई बी भी बनाया हुआ था। सो
इसमें से देखो कितने क्वेश्चंस आए हैं, मैंने बताया अभी. सो फ्री लेसन देखना भी इम्पॉर्टेंट है डेफिनेटली. सो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि कॉमर्स वाला भी मेरा आया था इसी में से ही, ठीक है, जो मैंने प्लस कोर्सेज में करवाया था. तक तो था हमारा एनालिसिस. और उसके अलावा अगर आप 2019 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इसके बिल्कुल इस मौके को हाथ से मत जाने दीजिए, क्योंकि ये एग्जाम के लिए आपका नया कोर्स आया हुआ है. एनटीए नेट यूजीसी नेट के लिए पेपर वन पूरा का पूरा कंप्लीट मैं कराऊंगी, वो भी अपडेटेड न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग. और अगर आप अभी पढ़ते हैं, अभी कोर्स लेते हैं, तो बाद में आपको थोड़ा सा काम डाउन हो जाते हो और तब आपको रिवीजन और पेपर टू की तैयारी करने का पूरा टाइम मिलता है, ठीक है. और उसके अलावा अगर अपनी स्पीड बढ़ानी है एंड एवरीथिंग, तो आप 20 फुल लेंथ कोर्स ले सकते हो. और वो भी मैं न्यू एक्सट्रीमली न्यू कोर्सेज है, सब कुछ मैं चेंज कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपके जो पैटर्न है उसमें काफ़ी चेंजेस देखने को मिले. इन्होंने बोला था कि चेंजेस नहीं होंगे लेकिन हुए, सो उनके अकॉर्डिंग पढ़ाना भी पड़ेगा. सो डेफिनेटली आई विल डू दैट, ठीक है. और इस बार जो 2-3 क्वेश्चन बाहर से आ रहे हैं, मैंने कहा ना 45 से लेकर 48 क्वेश्चन मैंने जो प्लस में करवाया है वहाँ से आए हैं, और जो 2-3 क्वेश्चन इधर उधर से आ रहे हैं इस बार उनको भी पूरे अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है. अन अकेडमी में जो प्राइजेज है वो इंक्रीज होते रहते हैं, उनसे बचने के लिए आई होप कि आप उसको अभी ज्वाइन कर ले तो आपके लिए बेस्ट रहेगा. एवरीथिंग इज पॉसिबल, जस्ट ड्रीम करो, अपने ऊपर भरोसा रखो और सही डायरेक्शन में पढ़ाई करो, आप डेफिनेटली अचीव कर पाएंगे. सो फेसबुक पेज लाइक कर सकते हो, ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो. थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम.